हे गाइस, मेरा नाम विजय नेगी और ईवीएस टेक्नोलॉजी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं पैडल रिक्शा किट के बारे में। तो अमूमन आपने देखा होगा कि रिक्शे मार्केट में दो तरह के चलते हैं, एक बैटरी वाला रिक्शा और एक पैडल रिक्शा। तो ये किट पैडल रिक्शा को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिक पैडल रिक्शा में। तो इसी की हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पैडल रिक्शा किट है हमारे पास ये, ठीक है। तो इसको हम खोल लेते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें वो हम बताएंगे और इसकी प्राइसिंग भी आपको बताएंगे कि कितनी प्राइसिंग में ये मार्केट में मिल रही है और हमारे पास कितनी प्राइसिंग में ये अवेलेबल है। तो ये मार्केट में भी अवेलेबल है और हमारे पास भी अवेलेबल है। तो सबसे पहले इस पर एक मोटर है, ठीक है। तो ये मोटर है इसमें, ठीक है, 48 वोल्ट 750 वाट की मोटर है ये, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं सॉकेट, ये गियर लगा हुआ है इसमें। तो इसके अंदर एक थ्री व्हील है, ठीक है। इसमें ये पीछे वाली जो रॉड होगी रिक्शा के, जो पीछे वाले टायर जो भी होंगे उसकी जो रॉड होगी उस पर ये लगेगा, ठीक है। उसके बाद इसका एक चैन है ये, ठीक है, दिखा देते हैं। काफ़ी लंबी चैन है जो कि मोटर और इन दोनों को आपस में कनेक्ट करेगी, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं, इसमें एक थ्रोटल होगा, ठीक है, और हैंडल ग्रिप होगी, ठीक है। उसके बाद ये जंक्शन बोर्ड है, कंट्रोलर और मोटर को आपस में कनेक्ट करने के लिए जंक्शन बोर्ड है, ठीक है। उसके बाद एक ये वायर हार्नेस है और आ जाते हैं इसमें अंदर, ये मीटर है जो कि इसमें आपका हेडलाइट वगैरह और आपका वोल्टेज शो करता है कि बैटरी कितने इंडिकेशन है वो शो करेगा इसमें। और इसके बाद आ जाते हैं मेन जो है इसका कंट्रोलर, इसका कंट्रोलर भी हम आपको खोल के दिखा देते हैं कि कैसा कंट्रोलर होता है इसमें, ठीक है। ये इसका कंट्रोलर है, ये 18 मॉस्ट्यूब का कंट्रोलर है ये, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी इस बॉक्स में मिली है, इस ई रिक्शा पैडल किट में, ठीक है। तो इसकी प्राइस बहुत ही कम है, 4000 रुपीज़ में आप हमारे से बाय कर सकते हैं इसको, ठीक है। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसको रिक्शे में फिट करके भी दिखाएंगे कि कैसे हम इस मोटर को फिट करते हैं और वो रिक्शे को हम चला के भी दिखाएंगे। तो वीडियो कैसी लगी हमारे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।